Assalamu alaikum. I'm doing great and hopefully aap sab theek honge, khairiyat se honge, first class honge. Here is me with another vlog. Aur main ja rahi hoon ghar se dobara wapas hostel aur packing shipping maine kar li hai. To aaj ke vlog mein aise kuch main dikhane wali hoon aapko. Iske ilawa itne dher sare PR packages aaye pade hue hain wahan pe Faisalabad mein aur unki unboxing karni hai, to main soch rahi hoon ki isi पूरे ब्लॉग में उनकी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ कि एक हफ्ते में एक ब्लॉगर को क्या क्या चीज़ें रिसीव होती हैं. प्लस आई एम गोइंग टू शेयर सम डूज एंड डोंट्स विद यू, क्योंकि द लॉट ऑफ गर्ल्स इनफैक्ट बॉयज ऑल्सो जो कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको लाइक उसकी ABC नहीं पता कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी चीज़ें जो करनी है और कौन सी चीज़ें जो नहीं करनी है. सो यस, मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. और जिंदगी आजकल इतनी बिजी चल रही है यार कि आई वॉज इन लाहौर फॉर लाइक मोर देन 1.5 वीक. आप लोगों को पता है शादी सीजन चल रहा है तो उसके लिए शॉपिंग करनी थी. ओ यस, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले मैं करूंगी चेंज. बाकी दिस इज द नेचुरल टेक्सचर ऑफ माय हेयर्स, इनको लाइक एक टर्न तो स्ट्रेटनर की बनती है. अच्छा, कपड़े मैंने कर लिए चेंज, तो आई एम थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग दिस येलो नेल पॉलिश, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है इस तरह के डार्क कलर्स अप्लाई किए हुए और ये मुझे खुल नहीं रही. अच्छा, आई एम डन विद द नेल पॉलिश, कैन यू सी दैट. अच्छा, ये नेल पॉलिश भी मुझे PR में आई थी, इट्स ब्रीदेबल और ये हिलाल नेल पॉलिश है. लाइक आप इसको लगा के वजू कर सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं. इनका जो इंस्टाग्राम पेज है आई थिंक वो भी वीवर कॉस्मेटिक्स के नाम से ही है. शक्ल की हालत दुरुस्त कर लेते हैं हम. नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, आई टेक अ टेंट और इसका मैं एक ड्रॉप यहाँ लगाती हूँ, इसका एक ड्रॉप यहाँ लगाती हूँ, एक यहाँ लगाती हूँ, एक यहाँ लगाती हूँ, क्या भी और क्या यहाँ लगा लेते हैं. और उसके बाद टेक अ ब्रश. अच्छा, बाय द वे फ्रॉम मीशो. और इसको पकड़ना आपने और इसको कर देना है ब्लेंड. और उसी टिंट को यहाँ पे डॉट कर ले एंड डन. इतना सा मेकअप करती हूँ मैं भाई डेली बेसिस पे. नो कंसीलर, नो फाउंडेशन, कोई फाउंडेशन कंसीलर वाला सीन ही नहीं है. अच्छा, नेल पॉलिश भी लगा लिया मैंने और मुंह की हालत भी थोड़ी दुरुस्त हो गई है. बाकी टाइम नहीं है कि मैं बालों के साथ कुछ करूँ, तो उनको बस ऐसे ही छोड़ देती हूँ. अच्छा, ये दूसरे वाले से ज्यादा अच्छा लग रहा है. अच्छा, तो गाड़ी में बैठ गए और जा रहे हैं हम वापस और देखते हैं आप दो चीजें ट्राई करने के बाद क्या तीसरी चीज निकाल के पहनी है मैंने. यहाँ से फैसलाबाद जाते हुए हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा. बालों को मैंने स्ट्रेट नहीं किया तो बाल ना शदीद लोफर किस्म के हो रहे थे, तो आई थॉट कि भाई इनको बांध लिया जाए. अच्छा, तो पहुंच गए हैं अब हम फैसलाबाद. अभी अभी एंटर हुए हैं और रास्ते में मैं सो गई थी. पता नहीं कौन सी गंदी आदत है मुझे कि रास्ते में बैठते कहीं भी जाना होता है तो मुझे एक शदीद किस्म की नींद आ जाती है. रश देख रहे हैं क्या हो रहा है भाई. मॉट सो 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 टायर्ड और आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना ईट, क्योंकि इस टाइम मेस भी नहीं मिलेगा मुझे. तो वो सोचते हैं भाई कुछ करते हैं जाके. के बुद्धू घर को आई, पहुंच गई हूँ. थैंक गॉड मैं जाते हुए कमरा साफ करके गई थी तो मुझे रूम साफ नहीं करना पड़ेगा. अभी लिटरली मूड यही हो रहा है कि मैं सब काम छोड़ छाड़ के सो जाऊं. और आप लोग आई थिंक सोच रहे होंगे कि मैं किस काम की बात कर रही हूँ, तो भाई एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ. तो भाई ये है वो काम जिसकी मैं बात कर रही हूँ. इतने सारे PR पैकेजेस, इनका कॉन्टेंट मुझे बनाना है, इनकी अनबॉक्सिंग करनी है और कुछ पेड है कुछ अनपेड है
और बस यही करने वाली हूँ अब मैं पूरा हफ्ता। आधे यहाँ पर पढ़े हैं और आधे एक और जगह पे पढ़े हैं, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। आधे भाई ये यहाँ पर पढ़े हुए हैं, ये काम हो गया। और उसके अलावा मिंसा के काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए हुए हैं और वो मुझे लेपर्ड की वेबसाइट पे एंटर करने हैं, पैकेट्स बुक करने हैं, ताकि जो राइडर है वो अर्ली इन द मॉर्निंग आकर यहाँ से पिक कर ले और डिस्पैच हो जाए। दूसरा ये काम हो गया। अभी मैं उठ के थोड़ा सा फ्रेश होंगी और घर से जो मैं सामान लाई हूँ उसको सबसे पहले कवर्ड में रखने वाली हूँ, और फिर इसके बाद ये जितने भी पैकेजेस हैं इनको मैं ऑर्गेनाइज करूँगी और साथ साथ मैं आपको भी दिखा दूँगी कि कौन सी क्या चीज़ है। एक छोटी सी अनबॉक्सिंग कर लेंगे और एंड पे होंगी कुछ सजेशंस, डूज एंड डोंट्स, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस और कुछ डूज एंड डोंट्स अगर आप ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग की फील्ड में एंटर होना चाहते हैं। अच्छा ब्लॉगिंग तो नहीं, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग में खुद इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम अ न्यू कमर ऑन यूट्यूब। अच्छा ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हुए मुझे मैंने स्टार्ट की थी मार्च 2019 में, तो 10 मंथ्स हो गए मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट किए। तो उसके बारे में जो जो मुझे पता होगा वही मैं आपको बता सकती हूँ। बाकी यूट्यूब पे तो आई थिंक मुझे 1 मंथ हुआ है, सिर्फ 1 मंथ हुआ है। तो भाई मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता कि किस तरह से आप लोगों ने ग्रो करना है, किस तरह से आपका चैनल ग्रो करेगा, या वो एडसेंस का क्या सीन होता है। अरे मैं अभी मैं ब्लैंक हूँ, आई हैव नो नॉलेज, तो इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती। जब मुझे पता चलेगा मे बी आफ्टर 1 year 2 years तो ऑब्वियसली आई विल शेयर विद यू। बाकी आई थिंक अब मुझे उठना चाहिए और उठते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ PR, अनबॉक्सिंग और बस। ओके गाइस, सो लेट्स जस्ट डू फ्यू PR अनबॉक्सिंग्स। और जो पहला पैकेज है वो है हमारे पास ये, मेरे मुंह से बड़ा पैकेज। अच्छा तो इसके अंदर है हमारे पास दो चीज़ें, एक ये है और एक छोटा वाला बैग है। इसके अंदर क्या है लेट्स सी। अच्छा इसके अंदर है हमारे पास एक बहुत ही प्यारा 3 पीस, कलर बहुत ही मजे का इसका, और दूसरा वाला मैं आपको दिखाती हूँ। और जो दूसरा है उसके अंदर है हमारे पास ये कुर्ती, ये सिंगल कुर्ती है, कैन पेयर इट विद एनी वाइट कैपरी और वाइट शलवार, एनीथिंग यू वुड लाइक। इसके अंदर हमारे पास ये मिस रोज़ की प्रोडक्ट्स हैं, ब्लश ऑन है, एक ब्यूटी ब्लेंडर है, देन वी हैव दिस मिस रोज़ प्रोफेशनल मेकअप, अच्छा लिप लाइनर और मिस रोज का प्राइमर और मिस रोज की फाउंडेशन एंड कंसीलर, एंड मिस रोज की काफी सारी प्रोडक्ट्स इसके अंदर। फिर वी हैव दिस लिपस्टिक एंड आई लिप मैट। द थर्ड पैकेज है वो है ये, और ऊपर दे हैव सेंट मी इज दिस वेरी ब्यूटीफुल फॉर स्कार्फ। तीसरा पैकेज समझ नहीं आ कौन सा वाला उठाऊं इसमें से। इनका कार्ड भी है और मुझे भेजा है स्मार्टफोन ने, और इसके अंदर मेरी ऑब्वियसली सम ग्लासेस होंगी। अच्छा दे सेंट मी दिस ग्लासेस, सेंट ग्लासेस की क्वालिटी काफी अच्छी होती है। उसके बाद है ये जी छोटू सा बॉक्स, और इसके अंदर है कुछ ज्वेलरी, और इसके अंदर ना कोई कार्ड है और ना ही कोई एड्रेस वगैरह लिखा हुआ, जिन टाइम किसी ने दिया है, एंड सो सॉरी। उसके बाद क्या है, उसके बाद वीडियो तो चल रही है। अच्छा देन यू हैव दिस छोटू सा पैकेज, और इसके अंदर भी आपको इसके अंदर भी ज्वेलरी है, वो भी क्यूट क्यूट ज्वेलरी है। मुझे किसने भेजा है, आई हैव टू सी दैट। दो चार पैकेजेस ऐसे निकलेंगे जो मैंने नहीं ओपन किए, क्या है। अच्छा इसके अंदर भी हमारे पास ये ज्वेलरी है, काफी अच्छे से पैक हो रही है, तो इसको मुझे खोलना पड़ेगा। अच्छा ये इसके अंदर ज्वेलरी है, बहुत प्यारे कंगन, और ये है जी हमारे पास इयररिंग, और इसका बॉक्स इसका जो बॉक्स है ये शिपिंग में टूट गया आई थिंक, तो इट्स फाइन। और ये भेजा है इसने ZA कलेक्शन में, इसको मुझे साथ रखना पड़ेगा क्योंकि आई नीड टू मेंशन देम, और काफी अच्छी हुई है उसको लगता है। और इसको हम खरीदते हैं दोबारा से नेक्स्ट डे में। अच्छा जो नेक्स्ट वाला पैकेज है इट्स अपर है जैकेट। अच्छा ये जैकेट है, और ये जो भेजी है जी फैशन फैक्ट्री, इट्स अ फ्लोरल जैकेट,
हाउ प्रिटी। अच्छा नेक्स्ट जो है हमारे पास टू हेडर टोटल वेस्ट, देन जो नेक्स्ट फिगर है वो कितने फिगर है अच्छा प्रिंटेड जैकेट, इसका मतलब फैब्रिक है आई डोंट नो कौन सा फैब्रिक है बट लुक्स रियली गुड, बहुत ही खूबसूरत जैकेट है। सो यस दिस इज देयर पेज नेम ऑन इंस्टाग्राम, ऑन द इनके स्नैपचैट आईडी वो भी उन्होंने जिसमें आपको डेली साथ में मेंशन किया हुआ है। सो यस बेसिकली तो डेटा है फॉर द फैब्रिक में, इसके अंदर है जो हमारे पास ये थ्री पीस अनस्टिच सूट, आपको पता है मस्टर्ड जो कलर है ना वो मस्टर्ड द न्यू ब्लैक, तो मस्टर्ड जो कलर है लाइक मेरा तो ये सीजन ऑफ फेवरेट हो गया है। तो दे सेंट मी दिस वेरी प्रिटी मस्टर्ड ग्रीन ड्रेस और ये थ्री पीस है। नेक्स्ट पैकेज जो है जी हमारे पास वो है ये, और इसी के अंदर ये भी था, और ये भी हमारे पास जो है ब्रांड है मेसन और उसके पास काफी अच्छी होती है। तो व्हाट दे हैव सेंट मी इज दिस सेट ऑफ लिप मैट्स, और इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो खोलनी पड़ेंगी। ये एक हमारे पास ब्यूटी ब्लेंडर है, और ये क्या है आई डोंट नो और ये थी हमारे पास एक नेल पॉलिश रिमूवर, ये भी मिसिंग का ही है। और उसके बाद है जी हमारे पास ये फेस प्राइमर, इट्स आल्सो फ्रॉम मिसिंग। और उसके बाद इसको खोलना पड़ेगा, देन वी हैव दिस फाउंडेशन। उसके बाद इसके अंदर क्या है मिस्ट्री बॉक्स के अंदर, अच्छा पैकेज उन्होंने बहुत अच्छे से करके भेजी है, लाइक डबल डबल रैपिंग स्कीम है तो खराब होने का कोई चांस ही नहीं है। देन वी हैव दिस हाइलाइटिंग पाउडर, और उसके बाद ये भी हाइलाइटिंग पाउडर है, और ये वाली उसके बाद है जी हमारे पास। अच्छा देन वी हैव दिस आई शैडो पैलेट, कैन यू सी द पैकेजिंग हाउ क्यूट इज दिस। लेकिन जो मेसिन है चाइनीज ब्रांड, यस इट्स मेड इन चाइना, चाइनीज ब्रांड है। ओके सो दैट्स हाउ द आई शैडो पैलेट लुक्स लाइक, काफी सारे कलर है इसके अंदर और अच्छा। लास्टली वी हैव दिस रेडिएंट लूज पाउडर, और ये भी मिसिंग का ही है। अच्छा इसको दोबारा हम इस पर डाल देते हैं। अच्छा जी डन, उसके बाद है हमारे पास ये एक और पैकेज, और ये मुझे भेजा है सिल्वर गैलरी ने, आई थिंक उन्होंने मुझे क्रीम भेजी है। ओके अच्छा नहीं स्टार्ट हैं, दीज आर द ईयर स्टार्ट। देन वी हैव दिस पैकेज फ्रॉम द मेकअप हॉटस्पॉट, और उन्होंने मुझे भेजा है जो चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, इसके अंदर है जी एक बैका का हाईलाइटर, और ये आई शेडो पैलेट, और ये एक लिप ग्लॉस फ्रॉम उफ्रा, और ये है जी हमारे पास वाटर स्लीपिंग मास्क, इसको भी बंद कर देते हैं। उसके बाद है ये एक जूली पैकेज, ये तो लास्ट पैकेज है प्लानेट के, और उन्होंने मुझे भेजे हैं जी ये नेल, और ये है जी एक जूली पीस। ओके सो वी आर डन विद द अनबॉक्सिंग्स। अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ, वहाँ पे दो पीआर पैकेजेस अभी पड़े हुए हैं, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही और बोलने की। लास्टली आई टोल्ड यू गाइस कि मैं अपना एक्सपीरियंस और कुछ टूल्स एंड डोंट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप ना ब्लॉगिंग करियर शुरू करने वाले हैं या आप ब्लॉगर हैं ऑलरेडी, तो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो यही है कि फोकस ऑन योर कॉन्टेंट, अपना कॉन्टेंट अच्छा रखें एंड बी कंसिस्टेंट। ये नहीं करना कि एक दिन आप एक पिक्चर पोस्ट करें तो अगला पूरा हफ्ता आपकी फीड जो है वो बिल्कुल डेड पड़ी रहती है, इससे आपकी इंगेजमेंट पर बहुत अफेक्ट होता है। सो यस दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपने माइंड में रखनी है, और डोंट्स में सबसे पहली चीज जो आपने नहीं करनी वो ये है कि आपने ब्रांड्स को खुद अप्रोच नहीं करना, आपने सिर्फ अपने कॉन्टेंट पे फोकस करना है,
ब्रांड्स आपको खुद ही अप्रोच कर लेंगे, जब ब्रांड्स आपको अप्रोच कर रहे हैं कोलैबोरेशन के लिए, प्रमोशंस के लिए, पेड प्रमोशंस के लिए, कैंपेन्स के लिए, तो दिस इज द बेस्ट थिंग। इसी के साथ हमारी वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ढेर सारा प्यार। खुदा हाफिज़।